नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर। और आप सबकी ये बहुत लॉन्ग क्लास होने वाली है, सुपर फास्ट क्लास होगी, कह सकते हैं महा मैराथन क्लास। तो ये जो क्लास आप सबके लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें ऐसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो आपके पेपर में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना, और इससे पहले जो मैंने महा मैराथन की क्लास सुबह 10 बजे चलाई थी वो भी आप सब ज़रूर देखना। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लेना, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से भी जा कर के वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके पेपर के लिए। और उसी प्रकार ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं प्रश्न जो है बाल विकास से क्या अभिप्राय है। इसमें आप बाल विकास के क्षेत्र के बारे में, उपयोगिता के बारे में ज़रूर जानेंगे। इससे पहले जो पेपर आपने दिया था फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में, उसमें भी कई ऐसे प्रश्न आए थे जो आपके सिलेबस से संबंधित थे, जो आपके जैसे पाठ्यक्रम से संबंधित, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है तो उसी से संबंधित सारे प्रश्न थे। तो सबसे पहले आप बाल विकास के बारे में भी जान लें। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों लाइक ज़रूर कर दें, और अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे कमेंट भी, अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें, जिससे आप सबका, मुझे पता चले कि आप सबके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं और अपने शब्दों में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बाल विकास से क्या अभिप्राय है, बाल विकास के विभिन्न क्षेत्र, इसके उपरांत हम लोग ऐसे भी प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने आपको जो मॉडल पेपर तैयार किया था उस मॉडल पेपर से भी कुछ प्रश्नों को जरूर इसमें मैं चर्चा करूँगी। तो देखते हैं क्या है। डार्विन के अनुसार इन्होंने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक करता रहता है। बच्चों, आप सबसे मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि आप सब परिभाषा ज़रूर याद रखना। एक परिभाषा आप लिखते हैं पेपर में तो इसका एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, परिभाषा और जो आपके वैज्ञानिक हैं इनका नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि पेपर में इनका नाम और परिभाषा ज़रूर याद रखा करो, इससे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। तो बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक चलता रहता है, तक करता है। बच्चों, इतनी प्यारी सी परिभाषा, इतना छोटा सा परिभाषा है, आप सब जरूर याद करे होंगे, मुझे विश्वास है डार्विन के अनुसार। उसके बाद हॉरलॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाले बाल मनुष्य विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। अब बाल विकास का क्षेत्र देख लेते हैं हम, हेडिंग हेडिंग समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत तेज़ी के साथ सुपरफास्ट देखते रहेंगे। वस्तुतः आप सबको पता होगा कि बाल विकास का क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र बालक ही है। सबसे मोस्ट बाल विकास में बालक ही होता है क्योंकि बालक के ऊपर ही अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। मैंने बताया था कुछ जो महान साइकोलॉजिस्ट थे जिन प्याजे, इन्होंने अपने बच्चे पर ही सबसे पहले विकास, अपने बच्चे पर ही रिसर्च किया था, अध्ययन किया था। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं जैसे प्रकार, सामान्यताएं, असमानताएं आदि का अध्ययन हम प्रमुख रूप से इस विषय के अंतर्गत करते हैं। बालक का संपूर्ण जीवन तथा जीवन के सभी आयाम बाल विकास का विषय क्षेत्र, बाल विकास के विषय विस्तार में हम प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते हैं। वृद्धि एवं परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जैसे बालक की वृद्धि एवं विकास का क्रम गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु प्रयत्न चलता रहता है। ये हेडिंग याद रख लेना, हेडिंग के अंतर्गत आप खुद स्वयं से लिख सकते हैं क्योंकि आप इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, आपने BA सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आप इतना ज़रूर लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हेडिंग जरूर याद रखना, वृद्धि और परिपक्वता को विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो आप सब जरूर हेडिंग याद रखना, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों लाइक तो कर दो, बहुत कम लाइक मिलती है आप सबके द्वारा, आप सब देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो, लाइक ज़रूर किया करो। बालक की वृद्धि एवं विकास का क्रम गर्भाधान प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है। आप सबको पता है विकास अगर देखा जाए तो जो गर्भाधारण का समय होता है, जब बच्चा जायगोट सेल के रूप में, जो अंडाणु होता है जायगोट सेल के रूप में होता है, उस समय से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु प्रयत्न तक चलता रहता है। किंतु इस विकास प्रक्रिया के समय समय पर आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं,
तथा ये परिवर्तन अपनी एक निर्धारित दर से एक निर्धारित सीमा तक पहुंचते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, परिपक्वता कहते हैं। मैंने परिपक्वता और सीखने पर जो अंतर बताया है, विकास और अभिवृद्धि पे अंतर जो समझाया है, वो सब याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारा बताया है जो महामैराथन की क्लास है। इस बार भी कह रही हूँ कि वो क्लास ज़रूर देख लेना, आपके पेपर में उससे कई प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। प्रत्येक परिवर्तन एक नई अवस्था की सूचना देता है तथा परिपक्वता तक पहुंचकर नई अवस्था में प्रवेश करता है। वृद्धि विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, जैसे जन्म से पूर्व की अवस्थाएं और जन्म पश्चात विकास की अवस्थाएं। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं विकास, जो जन्म से पूर्व की अवस्थाएं होती हैं, प्रमुख तीन अवस्थाओं से गुजरती हैं। पहला होता है डिम्बावस्था होता है, दूसरा होता है भ्रूण अवस्था और तीसरा होता है शिशुकाल अवस्था। और ये किसने कहा था बच्चों, जन्म से पूर्व की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था, इन दो अवस्थाओं में हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं हार्लॉक जी, इन्होंने बांटा हुआ था। और जो संवेग है, चौथा संवेग है, इसे किसने दिया था, इसे हमारे मैकडूगल वैज्ञानिक, जो मैकडूगल मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने संवेग को 14 भागों में बांटा था। ठीक, और जन्म पश्चात की याद रखना, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं डिम्बावस्था और भ्रूणावस्था, शिशुकाल अवस्था, और जन्म के पश्चात की जो विकास की अवस्थाएं प्रमुख हैं वो है नवजात काल, जो आपका सैसवा काल होता है, बाल्यकाल होता है, शिशु तथा सैसवावस्था होती है, और किशोरावस्था होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, नेष्ठ होता है, लास्ट में वृद्धावस्था आ जाती है। उसके बाद इसके बारे में ये नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक है नहीं, आपके पेपर में है भी नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं कि स्टेज की, जैसे एडोलसेंस एज है, एडोलसेंस एज की आयु सीमा नहीं दी गई है, तो ये पूछा जाएगा नहीं। पर हम बता दें, 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था होती है। एडोलसेंस एज आपके पेपर में जरूर आएगा। ओके, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, जैसे कि विकास की अवस्थाओं से तात्पर्य है कि परिवर्तन का प्रकार जो अवस्था ग्रहण करेगी, और विकास के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं, इन सभी क्षेत्रों को याद रखना। एक है हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, और सामाजिक विकास भी होता है, गत्यात्मक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, जो शारीरिक विकास, आपके शरीर में जो चेंजिंग आता है, बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद से जो गर्भ से ही उसके शरीर में चेंजिंग आने लगती है, जो विकास होता है, जो बच्चा बढ़ता है, वही शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, जैसे बच्चा धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाता है, ये सब मानसिक विकास होता है उसके। संवेगात्मक विकास, वो अपनी क्रियाओं को, संवेग इमोशन को जानने लगता है, सामाजिक, समाज के प्रति जो उसके कार्य है उसको समझने लगता है। गत्यात्मक विकास, उसके नैतिक भावनाओं का विकास, भाषा का विकास, ये सब क्या है, विकास के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन कीजिए। जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बच्चों, देख लेते हैं। पहला हमारा होता है वंशानुक्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है विकास के ऊपर, एक बालक के विकास के ऊपर, इन दोनों का प्रभाव बहुत पड़ता है। यदि प्रश्न सिर्फ यही बनता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कीजिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, वंशानुक्रम हेडिंग डालेंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे, जैसे कि वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे माता पिता के द्वारा जो बच्चे में जेनेटिक असर होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे का व्यवहार होता है, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रभाव बहुत पड़ता है विकास के ऊपर। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कई है, पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, और जो कई प्रकार की ग्रंथियां हैं जो बहुत विकास को प्रभावित करती है। पोषण बहुत प्रभावित करता है न्यूट्रिशन हमारा बच्चों के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से बालक जो होता है वह कौसवे और कर रोग का शिकार हो जाता है, मैरसमस रोग का शिकार हो जाता है। ये सब क्या है, बहुत प्रभावित करता है बालक के विकास को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, जो बालक का विकास है उसके अंतर्गत बहुत सारी विकासात्मक क्रियाओं का ही नहीं, अपितु असमान विकास, वृद्धि एवं व्यवहारों का अध्ययन भी किया जाता है। असमानता चाहे शरीर अंग हो, अव्यय की क्रियाशीलता को ही, अथवा मानसिक अयोग्यता, अथवा असमानता, भाषा संबंधी दोष हो, उच्चारण के दोष हो, अथवा सभी का विस्तृत अध्ययन बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन बाल विकास, मानसिक असमानताओं के कारण की जांच, उसके उपचार तक का ही अध्ययन कराता है। मानसिक अयोग्यता के प्रकारों की जानकारी तथा स्वस्थ सामाजिक संबंधों को पनपने के लिए भी बाल विकास के
पास जो प्रावधान है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का भी अध्ययन बाल विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। आपका जो पेपर है बहुत लिखना होता है, 500 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, तो इनके लिए आपको वाक्यों की भी आवश्यकता होगी, शब्दों की आवश्यकता होगी। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान से अपने मस्तिष्क में बैठा लें, जिससे आप लिखते समय भूलें ना, आप लिखते चले जाएँ। ठीक, बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? आज के युग में देखा जाए तो बाल विकास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाल विकास के अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोणों से उपयोगी है। जैसे कि बाल विकास के अध्ययन द्वारा माता पिता को बालक के समझने में भी सहायता मिलती है। इससे बालकों का कल्याण तो होता ही है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होता है। बाल विकास का अध्ययन उन सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बालक से संबंध रखते हैं। अभिभावक तथा परिवार के उन सभी सदस्यों को जो बालक के संपर्क में आते हैं, उन्हें भी बाल विकास का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त बाल शाला के शिक्षक व अन्य समस्त शिक्षक, बाल चिकित्सक, सुधारक के साथ साथ बाल साहित्य लेखक और प्रशासक आदि के लिए बाल अध्ययन उपयोगी होता है। क्या होता है? उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बाल विकास के अध्ययन का महत्व निम्नलिखित प्रमुख कारणों से माना जाता है। पहला कारण क्या है? बाल विकास के संबंध में सही जानकारी प्राप्त होना। क्या होना बच्चों? ये हेडिंग आप याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको बाल विकास के संबंध के बारे में सही जानकारी है, तो अभिभावक तथा उन सभी समस्त व्यक्तियों हेतु बाल विकास के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। जो बालक से किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में संबंध रखते हैं, किसी विशिष्ट आयु में बालक में विकास के कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित होते हैं, प्रत्येक अवस्था में बालक की क्षमताएँ भिन्न भिन्न होती हैं। यदि यह जानकारी होगी कि किस अवस्था में बालक से कितने विकास की आशा करनी चाहिए, तो हम विकास के संबंध में बालक का उचित प्रकार से निर्देशन कर सकेंगे। यदि अभिभावकों को यह जानकारी हो कि बालक में भाषा का प्रथम उच्चारण किस आयु से अपेक्षित है, तो यदि उस आयु में बालक भाषा का प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसके कारण की खोज करके उसे दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। इस प्रकार बाल विकास के अध्ययन की मदद से बालकों की प्रवृत्ति को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, बालक के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी। जो बालक है उसके प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए भी उपयोगी होता है हमारा बाल विकास का अध्ययन। जन्म के बाद, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद बालक के निरंतर वृद्धि और विकास करता रहता है तथा अनेक क्रियाकलापों को सीखना शुरू कर देता है। कुछ कार्यों का वो वातावरण के संपर्क में रहकर ही सीख लेता है तथा कुछ कौशलों को संबंध में अभिभावक तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीख लेता है। स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण देते हैं किन गुणों व कौशलों को बालक किस प्रकार किस समय प्रशिक्षण देने से अधिक कुशलता से सीख सकता है। यही हम बाल मनोविज्ञान अर्थात बाल विकास में समझते हैं, किस प्रकार से हम बालक को शिक्षित करें, किस प्रकार से उसके कौशलों का विकास हो और उसके गुणों को किस प्रकार से हम समझें, किस प्रकार से उसे प्रशिक्षण दें। और यह जानकारी माता पिता को अगर होती है, तो वो उचित समय पर प्रशिक्षण देकर अपने बालक को, अपने बच्चे को सक्षम बना सकते हैं, अधिक से अधिक सक्षम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बालकों की प्रकृति को समझने में उपयोगी। जो बाल विकास के अंतर्गत बालकों का विभिन्न क्षेत्रों में विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, किन दशाओं में विकास उत्तम होता है तथा किन दशाओं में बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही विकास की प्रत्येक अवस्था के कुछ समान गुण होते हैं जो विकास की अन्य अवस्थाओं में समान रूप से क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। यदि माता पिता को इन गुणों का उचित जानकारी हो जाती है, तो उचित समय पर इनका सुधार कर सकते हैं। ये जानकारी किससे मिलेगी? बाल विकास से द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि माता पिता को बाल विकास का अध्ययन किए रहते हैं, उन्हें इसका नॉलेज होता है, तो वो अपने बच्चे को उचित रूप से सक्षम बना सकते हैं। बाल निर्देशन में भी सहायक होता है हमारा बाल विकास। बाल विकास का अध्ययन बाल निर्देशन के लिए भी सहायक होता है, क्योंकि बालक में कुछ योग्यताएं और सीमाएं जन्मजात होती हैं, जिन्हें उचित वातावरण प्रदान कर विकसित किया जा सकता है। जैसे कि हम बालक के विकास को निर्देशित करने की स्थिति में होते हैं,
बालक के प्रथम निर्देशक उसके माता पिता होते हैं, आप सबको पता होगा। प्रथम जो पाठशाला होती है उसका घर ही होता है, प्रथम टीचर उसकी माता होती है, उसके पिता होते हैं। तो यही इसमें भी कह रहा है कि बाल निर्देशन में सहायक जो होते हैं, सब बाल निर्देशन में सबसे प्रथम निर्देशक उसके माता पिता होते हैं। यदि उन्हें बाल विकास का ज्ञान होगा तो वो बालकों की योग्यता एवं क्षमताओं के समझ करके वातावरण प्रदान करके अपने बच्चे को सक्षम बना सकते हैं। बहुत डीपली नहीं जानेंगे आप, इसके अंतर्गत खुद स्वयं से लिखेंगे, ओके, और थोड़ा थोड़ा जान लें। और बाल व्यवहार एवं विकास के संबंध में भविष्यवाणी में सहायक होते हैं। जैसे बाल विकास के अध्ययन द्वारा हमें व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है, उनके आधार पर बालकों के विकास से जो संबंध है भविष्यवाणी कर सकते हैं, बालकों के विकास के विभिन्न पक्षों का गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक, आगे है हमारा परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि में भी सहायक होता है हमारा बाल विकास। उसके बाद है हमारा बालक के विकास में वातावरण का महत्व भी होता है। और एक आप सभी ये हेडिंग याद कर लें, इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक, पेपर बहुत नज़दीक है, बहुत तेज़ी के साथ रिजेक्ट करें। बाल व्यवहार के नियंत्रण में भी सहायक होता है हमारा बाल विकास। उसके बाद आता है व्यक्तित्व का अर्थ। इससे पहले मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को आप सबको बताने वाली हूँ जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप सब जरूर रिवीजन करें। जैसे मैंने बताया हुआ था कि जन्म के प्रथम वर्ष की लंबाई 23 से 28 इंच होती है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था के कोई 5 संवेग जैसे क्रोध, भय, प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, भय और प्रेम, ईर्ष्या, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रोना भी आता है संवेग में। ठीक, और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो प्रसन्नता के योगदान होते हैं और इनकी स्थितियों के बारे में, स्वस्थता की किन्हीं 5 विकासात्मक कार्य जैसे चलना फिरना, ये सब मैंने बताया था, चलना बोलना, ये सब बच्चा 2 वर्ष में सीख जाता है, बैठना उठना। ठीक, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न बाल विकास का अर्थ। ये सब मैंने अभी आप सबको समझा दिया, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सब पूरा जरूर देखना। संवेग पर नियंत्रण की विधियां मैंने भी पढ़ाया है माँ मैराथन में, वो सारे वीडियो आप जरूर देख लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिंब ग्रंथि के बारे में भी पढ़ाया है, और बच्चों को जो बच्चों की गैंग की क्या विशेषताएं होती हैं, जब बच्चा समूह में रहने लगता है उसकी क्या विशेषता होती है, इससे बच्चा क्या क्या सीखता है, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवेगात्मक परिपक्वता मैंने बताया हुआ है, ये सब भी जरूर देख लेना। किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न आ सकता है, किशोरावस्था का भी रिविजन कर लेना, मैंने वीडियो बनाया है। जो विकासात्मक क्रियात्मक विकास है वो भी देख लेना, जैसे क्रियात्मक विकास मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया था कि पैरों के द्वारा पैर की क्रियाओं का चलना, और क्रियात्मक विकास में मैंने इतना अच्छा पढ़ाया हुआ है कि आप वो वीडियो जरूर देख लेना। वो वीडियो आप देख लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छा, जैसे क्रियात्मक विकास का महत्व आ जाता है। तो अच्छा स्वास्थ्य होना, क्रियात्मक विकास, अवांछित असंवेगों का बाहर निकलना, समाजीकरण, आत्म आनंद, आत्मनिर्भरता, आत्म प्रत्यय, व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण योगदान, ये सब क्या है, क्रियात्मक विकास के महत्व होते हैं। और उसके बाद आप सबको अगर प्रश्न में बनता है, प्रश्न पूछ लेता है कि जो बालक के जो बालक का विकास है, शारीरिक विकास है, उसे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं, मैंने अभी बताया, लेकिन उसमें उस डिटेल में नहीं है, लेकिन मैंने फूड न्यूट्रिशन भी बताया, पोषण भी बताया, वंश अनुक्रम बताया, और उसके साथ भौतिक वातावरण भी, रोग भी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, वृद्धि होता है, यौन होता है, संवेगात्मक व्यवधान होता है, विटामिन भी कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसान पहुँचाता है, पारिवारिक प्रभाव भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी इफेक्ट है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप सब देख लेना। और जो बालकों की क्रियात्मक विकास की जो प्रमुख विशेषताएं, जैसे मस्तक द्विमुखी क्रम होता है, मैंने बताया हुआ है, निकट से दूर क्रम हुआ, और क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है, और क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। जैसा मैंने बताया है आप सबको कि बच्चों में सबसे पहले 300 कुछ हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वो हड्डियाँ जब नवजात शिशु होता है उसमें नवजात शिशु में बहुत अधिक हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो हड्डियाँ होती हैं धीरे धीरे, जैसे उसका मसाज होता है नवजात शिशु का, धीरे धीरे वो सारी हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं। ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आप हेडक न लें, बहुत अच्छा पेपर होगा।
उसके उपरांत आप सब ये भी देख लेना कि जो बालक है उसके वातावरण से संबंधित कुछ जो प्रमुख कारक हैं, ये भी प्रश्न बनता है। प्रमुख कारक कौन कौन से उनके बारे में, जैसे दुर्बल शारीरिक अवस्था भी कारक हो सकते हैं, और शारीरिक रचना, बीमारी, आहार, खेल का महत्व। खेल का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। खेल का महत्व, खेल के द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास होता, मानसिक विकास होता है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये भी देख लेना प्रसवकालीन स्थितियाँ, जो प्रसव के प्रकार देख लेना। प्रसव के प्रकार कितने हैं? एक प्राकृतिक प्रसव होता है, सिजेरियन प्रसव होता है, और एक हमारा जो प्रथम होता है प्राकृतिक, नॉर्मल प्राकृतिक प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, और औजारों द्वारा होने वाली प्रसव, ये सब याद कर लेना। ठीक, देख लेना। और आप सबने तो रिवीजन कर चुका है तो पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ये भी देख लेना बच्चों, ध्यान से समझना, सुनने का प्रयास करना। किशोरावस्था से जरूर प्रश्न आएगा, जो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, कौन कौन से होते हैं शारीरिक विकास किशोरावस्था में। शारीरिक विकास में जैसे शरीर का आकार बढ़ना, कद वजन भी बढ़ जाता, शरीर का अनुपात होता, शरीर सिर का अनुपात बढ़ता है, और चेहरे का अनुपात भी बढ़ जाता है, धड़ व कंधों का अनुपात, हाथों तथा पैरों का अनुपात, शरीर रचना या प्रकार। इसके उपरांत ये तीन प्रकार के भी भिन्न भिन्न वजन में बढ़ते हैं, जैसे एंडोमॉर्फिक हुआ, मेसोमॉर्फिक हुआ, एक्टोमॉर्फिक हुआ, अस्थियां हुई, इन सभी का विकास होता है। शैशवावस्था में खोपड़ी का विकास होता है, रीढ़ की अस्थियों का बहुत तेजी के साथ विकास होता है, वक्ष या छाती का विकास होता है। स्त्रियों में जो फीमेल बालिकाएं होती हैं उनकी छाती वक्ष का बहुत तेजी के साथ विकास होता है। ठीक, हाथ तथा पैर का विकास होता है, दांत का विकास, जो 32 दांत होते हैं ना शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में तो नहीं होते हैं। ठीक, गलती से निकल गया, शैशवावस्था में बालक में दांत नहीं होते हैं, लेकिन जो किशोरावस्था है उसमें 32 दांत हो जाते हैं। ठीक, और उसके बाद आप सब कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन प्रश्नों को भी देख लेना। अगर प्रश्न किसी से संबंधित आ जाता है, जैसे बाल्यावस्था से आ जाता है, बाल्यावस्था को प्रभावित करने, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व आ जाता है, या आ जाता है किशोरावस्था में विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक तत्व या कारक, तो सबका यही होता है, इसी में घोर घुमा कर आप सब लिख सकते हैं। जैसे वंशानुक्रम होता ही है, हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज अवस्था में यह प्रभावित करता है, वंशानुक्रम। दूसरा वातावरण हुआ, तीसरा बालक का पोषण हुआ, संवेगात्मक विघ्न या बाधाएं हुए, लिंग भी होता है कहीं कहीं पर, लिंग के द्वारा जैसे कि माता पिता के द्वारा बालक को अधिक पोषण युक्त पदार्थों का देना और बालिकाओं को कम देना, तो ये लिंग भेद ही होता है, जातिगत भेद होता है, बुद्धि भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, ऐसा अस्थ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये सब क्या है। और क्रियात्मक विकास का महत्व मैंने बता चुका है। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को देख लेना। और जो बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, जैसे हाथ की कुशलताएँ, बाल्यावस्था में बच्चा स्वतः खाना खाने लगता है, स्वतः सजना, बाल का संवारना, जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएँ होती हैं, वो बाल भी संवारना सीख जाती हैं बाल्यावस्था में, लिखना भी सीख जाते हैं, नकल करना भी, गेंद पकड़ना, कैच करना, पैर की कुशलता जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, तैरना, ये सब पढ़ाया हुआ है आप सब के रिवीजन के लिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ जिससे आप सबका रिवीजन भी हो जाए। ठीक, और कुछ और भी प्रश्न हैं, जैसे कि प्रश्न आता है कि जो प्रश्न बनता है कि हमारा जो बाल संवेगात्मक है, जो बालक का संवेग है, संवेगात्मक को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, तो प्रश्न लिख सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी और वृद्धि भी। अगर शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता, क्रोध, आप सबको पता है क्रोध एक प्रकार का संवेग है, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ने से संवेग भी इफेक्ट करता है, और वह संवेग उत्पन्न हो जाता है बच्चे में बुद्धि भी होती है, लिंग भी होती है, माता पुत्र संबंध भी होता है, पिता पुत्र का संबंध और सामाजिक वातावरण, जन्मक्रम भी होता है, और परिवार का आकार भी होता है। परिवार का आकार यदि बड़ा है तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है, और सामाजिक आर्थिक स्तर है, उसके बाद व्यक्तित्व तो है, ये सब आते हैं। ठीक, और बालकों में नैतिक व्यवहार अगर प्रश्न बनता है, तो नैतिक व्यवहार के बारे में आप सब इतना पढ़ चुके हैं कि आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है,
जो हमारा प्रश्न है व्यक्तित्व का अर्थ, ये देख लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पता आपके पेपर में यही प्रश्न आ जाए। अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आता है तो जरूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक। व्यक्तित्व के विकास से आपका क्या तात्पर्य है? बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। तो सबसे पहले आप पर्सनालिटी का अर्थ जान लें जी। जो पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, इसके अर्थ के बारे में जानें, ठीक। व्यक्तित्व शब्द पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। जो पर्सनालिटी है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना, याद रखना पर्सोना शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वेशभूषा, और जिसे नाटक करते समय अभिनेता लोग पहनते हैं। पर्सोना शब्द से ही पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य गुणों के द्वारा माप की जाती है। वास्तविक अर्थ देखा जाए तो इस अर्थ के अनुसार व्यक्ति में जितनी विशेषताएं या विलक्षणताएं हैं होती हैं, उन सब का समन्वित अथवा संगठित रूप व्यक्तित्व होता है। अथवा जो व्यक्तित्व है बच्चों, इसके बारे में हम डीप नहीं जाएंगे, बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। आप सबको मैंने इस पे वीडियो बनाया है, सिर्फ एक वीडियो में मैंने व्यक्तित्व के बारे में बहुत डीपली समझाया है, और उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो और इसलिए बच्चों आप सब समझ गए होंगे, एक दो परिभाषा भी देख लें। म्यूरेहेड के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व में संपूर्ण व्यक्ति का समावेश होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के गठन, रुचि के प्रकारों, वृत्तियों, व्यवहारों, क्षमताओं, योग्यताओं और प्रवणताओं का सबसे निराला संगठन होता है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त जन्मजात संस्थानों, आवेगों, प्रवृत्तियों, झुकावों एवं मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का योग होता है। और हमारे अल्पोर्ट ने कहा कि अल्पोर्ट के अनुसार है व्यक्तित्व व्यक्ति के मन, आप बच्चों हम एक ट्रिक बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी राइटर हैं इनको याद रख लेना और इनके नाम लिख लेना, रट्टा मार लेना। रात भर के समय है, अभी कल पेपर है सुबह आपका, तो रट्टा मार लेना। इससे क्या होगा, आप सारे राइटर का नाम याद कर लेंगे और प्रश्न बन जाता है, आ जाता है व्यक्तित्व से, तो आप राइटर का नाम दे करके हाईलाइट कर देंगे और उसके अंतर्गत अपने शब्दों में, कुछ ही शब्दों में यदि नहीं याद है परिभाषा तो लिख देंगे। तो एग्जामिनर अगर देख नहीं पाया, सिर्फ नाम ही देख लेगा, तो आपको नंबर जरूर देगा, ठीक। अल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के मन, शारीरिक और तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण से अपूर्व अभियोजना का निर्धारित करता है। क्या करता है? अभियोजना को निर्धारित करता है। मन ने कहा कि व्यक्ति के संगठन व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। और जो हमारे दिसेंज और ब्रिशेंज के अनुसार इन्होंने कहा व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और लक्षणों का संगठन है और प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक एवं सांसारिक कारकों के संयुक्त कार्य से उत्पन्न होता है। व्यक्तित्व को जो व्यक्तित्व का विकास है, इसे प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये सारे फैक्टर के बारे में, सबसे पहला वंश परंपरा संबंधी तत्व होता है, जिसमें प्राणी विहीन ग्रंथियां होती हैं, गल ग्रंथियां होती हैं, उपगल ग्रंथियां होती हैं, पीयूष ग्रंथियां होती हैं, उपब्रिक ग्रंथियां होती हैं, ठीक। और जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाकर के देख लें, समय नहीं है। यौन अथवा प्रजनन ग्रंथियां हैं और शारीरिक रचना तथा स्वास्थ्य है और स्नायुमंडल है और मूल प्रवृत्तियां तथा अथवा प्रेरक है, जो हमारी वंश परंपरा से संबंधित व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वातावरण संबंधित तत्व, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। भौतिक वातावरण संबंधित तत्व का प्रभाव होता है, सामाजिक वातावरण संबंधित तत्व का प्रभाव होता है, माता पिता का प्रभाव होता है और पारिवारिक संबंध का प्रभाव होता है, पड़ोसी का भी प्रभाव पड़ता है, इकलौता बच्चा है तो इसका भी प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व के विकास पर। बालक अपने गिरोह में कार्य करना भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करता है, शिक्षालय प्रभावित करता है, पुस्तकें एवं तस्वीरें प्रभावित करती है, कला एवं चित्र भी प्रभावित करते, मेला प्रभावित करता है, मंदिर एवं चर्च भी प्रभावित करता है
और जीवन लक्ष्य का भी प्रभाव पड़ता है। आप बैक करके देख सकते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, तो बहुत सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। तो बच्चों आपका सुबह से पेपर है, सुबह के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर आप सबका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।